मैं इसकी बात बताते हुए शर्मिंदा हूँ। क्यों? जहां पना एक पागल आदमी ने कहा है कि आप उसके मकरूज हैं, हमने उसे महल में बुलाया और उसको रकम दी मगर वो राजी नहीं हुआ। वो कहाँ है? वो इधर ही उसे है। अंदर आने दो। जैसे आपका हुक्म। फैसल को अंदर लाओ। नौजवान, हमें अपना मसला बताओ। जहां पना, आप पर मेरा कुछ उधार है। अच्छा, मैं तुम्हारा मकरूस कैसे हो गया? जहां पना, मैं एक ताजिर था, मेरा दिवालिया हो गया, मैं बुरी तरह कर्जे में फंस गया। मैं रोजाना सोने से पहले अल्लाह से दुआ करता। बेटे, जहां पना ने तुमसे पूछा है कि इन पर तुम्हारा कर्जा कैसे आया? जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं रोजाना रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ करता हूं। मैंने कल रात को ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मेरे हमीद से कहो कि वो रोजाना रात को हमें दुरूद व सलाम भेजकर याद करता है और वो कल रात दुरूद पढ़ना भूल गया। उसके पास जाओ और उसे अपना मसला बताओ। क्या क्या फरमाया मेरे आका ने? क्या फरमाया? मेरे हमीद, ये कबूल करो। लेकिन एक बात इसे बताओ, क्या फरमाया था मेरे आका ने? मेरे हमीद, ये भी रखो। एक बार फिर से बताओ, मुझे कैसे मुखातिब किया? जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा तो उन्होंने फरमाया, मेरे हमीद। ये लो, खुदा के लिए फिर से बताओ, मेरे हमीद। और लो। मेरे बेटे, क्या आप ये रकम तुम्हारे लिए काफी नहीं? ये काफी है पाशा, इससे मैं अपना कर्जा आसानी से उतार सकता हूँ। अल्लाह हाफिज। जहां पना, मुझे डर था कि आप सब कुछ इस पर लुटा देते। पाशा, तुमने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अगर वो कोशिश करता कि मेरी सारी जायदाद और बादशाहत ले ले तो मैं उसे दे देता। पाशा, मैं कल रात को काम कर रहा था और मैं थक कर मेज पर ही सो गया था और दरूद शरीफ पढ़ना भूल गया। अल्लाह मेरी इस कोताही को माफ करे।